सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी जो रेनॉल्ट का न्यूली लॉन्च हुआ है क्यूड, जो क्लाइंबर है उसका रिव्यू कर रहे हैं। क्यूड क्लाइंबर का फ्रंट की तरफ आते तो यहाँ पे इसका ग्रिल पे थोड़ा क्रोम देखने को मिलता है आपको, और लोगों को जैसा मिल जाता है क्रोम फिनिश का ये। और ये जो कलर है काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है इसका, जो क्यूड का कलर है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सिल्वर देखने को मिलता है इस गाड़ी में। इसका हेडलैम्प कुछ ऐसा मिल जाता है, DRL यहाँ मिल जाता है, और यहाँ पे थोड़ा आपको सिल्वर देखने को मिलता है नीचे की तरफ भी। और यहाँ प्लास्टिक ट्रीटमेंट का थोड़ा यूज़ किया गया हर एक जगह। और यहाँ पे थोड़ा वाइट थीम का यूज़ किया गया है, और यहाँ ब्लैक टाइप का थोड़ा हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया फ्रंट की तरफ फॉर गुड लुकिंग। तो वैसे इसका हेडलाइट की बात करें तो आपको हैलोजन मिल जाता है ऊपर में, DRL कुछ ऐसा मिलता है इसमें। इसमें LED नहीं मिलता, इसका जो हेडलाइट है हेलोजन मिल जाता है, देख सकते हैं। और DRL कुछ ऐसा मिल जाता है इस गाड़ी में। तो गाइस साइड से गाड़ी का कुछ इस तरह का लुक आ रहा है साइड प्रोफाइल से। इसका LY का बात करें तो ऐसा मिल जाता है, वाइट एंड ब्लैक थीम टाइप का मिल जाता है इसका जो LY है। यहाँ पे फेडनर पे इसका इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ा प्लास्टिक ट्रीटमेंट यूज किया गया। और इसका जो RBM है वाइट कलर का आपको मिलता है, और यहाँ क्लाइंबर लिखा मिल जाता है इस गाड़ी पर, जो क्यूट क्लाइंबर है। इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 184 मिल जाता है आपको MM का ग्राउंड क्लियरेंस, कुछ ऐसा मिलता है। और डोर हैंडल्स की बात करें तो प्लास्टिक ट्रीटमेंट के साथ ब्लैक आपको मिल जाता है इस गाड़ी में। बैक की तरफ आते हैं तो बैक से गाड़ी का कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। एंटीना आगे मिल जाता है यहाँ पे इसका, थोड़ा लाइट बैक कैसा मिल जाता है नॉर्मल सा। और यहाँ क्यूट की बैजिंग यहाँ मिल जाती है, और यहाँ से की खोलने के लिए यहाँ ओपन करना पड़ेगा, बूट खोलने के लिए यहाँ से की लगाना पड़ेगा। ऐसा कोई की कुछ ऐसा मिल जाता है, जो कि एक ऐसा मिल जाता है कि विथ बैजिंग के साथ रेनॉल्ट का लॉक अनलॉक बटन के साथ यहाँ ऐसा मिल जाता है इसका जो की है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ सिल्वर और वाइट टाइप का यूज़ किया गया है यहाँ पे नीचे की तरफ। यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है जो कि छोटा सा मिलता है, यहाँ रेनॉल्ट की बैजिंग मिल जाती है आपको। तो चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर की तरफ आते हैं तो गाड़ी का कुछ ऐसा लुक है इंटीरियर का। तो गाइस आ चुके हैं इसके इंटीरियर की तरफ, तो इसका इंटीरियर कुछ ऐसा मिल जाता है, देख सकते हैं। इसका मीटर ऐसा मिल जाता है। बाय द वे इसमें बैटरी थोड़ा सा कम है इसलिए ये नॉइस कर रहा है, ये बैटरी ब्लिंक कर रहा है, देख सकते हैं। मीटर कुछ ऐसा सिंपल मिल जाता है, की को रिव्यू कर देता हूँ। थोड़ा बैटरी का इशू है इसमें, फोन वगैरह कंट्रोल से आप मीडिया वगैरह सर्च फॉर ब्लूटूथ वगैरह सब कनेक्ट होता है इसमें। इसका स्क्रीन कुछ ऐसा मिलता है, रेडियो वगैरह ऐसा मिल जाता है रेडियो वगैरह प्ले करने के लिए। मीटर कुछ ऐसा मिल जाता है इसका, बैटरी कम है इसलिए थोड़ा आवाज़ कर रहा है, तो इसे ऑफ करना पड़ेगा। तो गाड़ी का कुछ ऐसा लुक आ रहा है। स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग ऐसा मिल जाता है इसका, जो कि एडजस्टमेंट के साथ नहीं आता है इसका जो स्टेयरिंग है। बाय द वे लोगो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ये गाड़ी का। तो यहाँ पे आपको सिल्वर एंड ब्लैक थीम का थोड़ा यूज़ किया गया इसका इसका जो स्टीयरिंग है। तो गाड़ी का कुछ ऐसा लुक आ रहा है, मतलब गाड़ी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो क्यूट क्लाइंबर आया, ये कंपटीशन है ऑल्टो के साथ, इसका कंपटीशन होगा फिर सेंट्रो के साथ होगा, ग्रैंड आइटन के साथ भी हो सकता है, क्योंकि सेम रेंज का गाड़ी है सब। तो इसके सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक नहीं मिलता है, मैनुअल मिल जाता है। हाइट एडजस्टमेंट की बात करें तो वह भी आपको मैनुअली करना पड़ेगा। और इधर के साइड आता है तो इसका जो डोर हैंडल है वो क्रोम टाइप का आपको मिल जाता है। और यहाँ वाइट स्ट्रीजेस का यूज किया गया है गुड लुक देने के लिए। इसका जो एडजस्टमेंट है वो लॉक अनलॉक का, वो ऐसा मिल जाता है, थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए था। ये पेच वेच अब ठीक नहीं लगता है थोड़ा, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, रेनॉल्ट वालों थोड़ा ध्यान देना चाहिए था इस पर। तो कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा इसे मतलब पेच जैसा ये फील होता है, मतलब थोड़ा हर एक गाड़ी में अपग्रेड हो गया। क्या है, लॉक एंड अनलॉक बटन यहाँ पे देने लगा है, कोई गाड़ी का यहाँ देने लगा, तो इसे भी अपग्रेड करना चाहिए था। तो डिसएडवांटेज एक टाइप का लगता है ये, मान सकते हैं गाड़ी में।
वो RVM का एडजस्टमेंट किया मैनुअल करना पड़ेगा आपको, विंडोज वगैरह कंट्रोल सीधा मिल जाता है। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट वगैरह मिल जाते हैं जो कि ऐसा मिल जाता है जो कि देख सकते हैं। इसका विंडोज़ का कंट्रोल नहीं, सॉरी गाइस मिस्टेक हो गया, ये विंडोज़ का एडजस्टमेंट भी यहाँ मिल जाता है आपको। देख सकते हैं यहाँ से एडजस्ट हो रहा है, तो इधर के साइड दे रखा काफ़ी डिफरेंट जगह दे रखा है गाइस। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट जगह दे रखा है स्टेयरिंग के जस्ट बगल में, तो यहाँ से एडजस्ट होता ही है मीस का जो ORVM सा। तो स्टेयरिंग की तरफ आते हैं तो स्टेयरिंग भी सिंपल मिल जाता है, यहाँ पे कुछ बटन वगैरह नहीं मिलता है। पर की बात करें तो ये नॉर्मल सा मिल जाता है, नॉर्मल सा कॉस्टन वगैरह सब मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बार्निंग वगैरह सब मिल जाता है। लाइट की बात करें तो ये आपको हेलोजन मिलता है, LED नहीं मिलता इसमें। ये एडजस्टमेंट भी आपको ये मिल जाता है, एयरबैग मिल जाता है। और इधर की बात करें तो यहाँ पे एयरबैग भी मिल जाता है इस गाड़ी में, यहाँ पे मिरर वगैरह कुछ नहीं मिलता। और इसके इधर की तरफ आते हैं तो ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो कि ऐसा मिलता है, जो कि काफ़ी बड़ा अंदर तक स्पेस है इसमें। देख सकते हैं एकदम अंदर तक दे रखा है स्पेस इसमें, इसका जो ग्लव बॉक्स है। यहाँ पे क्यूट लिखा हुआ मिल जाता है आपको, बैजिंग टाइप का पूरा। और यहाँ पे एयरबैग मिल जाता है इधर की तरफ भी। और इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हजार्ड का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है, AC वगैरह कंट्रोल से यहाँ मिल जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ से AC वगैरह कंट्रोल होगा, AC ऑन ऑन बटन्स वगैरह सब रिवॉल्विंग टाइप का मिल जाता है। AC ऑन करने का ऑप्शन यहाँ दे रखा है। थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे चार्जिंग वगैरह का सॉकेट दे रखा है, 12 वाट का मिल जाता है जो यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे रखा है जस्ट कुछ इंसर्ट करने के लिए। और इसमें थोड़ा गियर बॉक्स काफ़ी डिफरेंट दे रखा है गाइस। देख सकते हैं न्यूट्रल है, रिवर्स है और ड्राइव है। तो ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक गाड़ी है, ये ऑटोमेटिक वर्जन है, मैनुअल नहीं है। तो रिवर्स, ड्राइव, न्यूट्रल सब ऐसा मिल जाता है इसका। देख सकते हैं न्यूट्रल, रिवर्स और ड्राइव, तीन मोड टाइप गियर बॉक्स इसका ऐसा मिल जाता है। इधर की तरफ थोड़ा इसका जो हैंड ब्रेक है वो आपको मैनुअल मिल जाता है, इलेक्ट्रिक टाइप का नहीं मिलता। सीट की बात करें तो यहाँ पे येलो एंड ब्लैक फिनिश के साथ कुछ स्पोर्टी लुक दिया है, क्लाइंबर लिखा हुआ है यहाँ मिल जाता है सीट कवर टाइप। तो सीट का भी मतलब लुक अच्छा दिया है। और इधर की तरफ आते हैं तो वाइट स्टिचेस के साथ यहाँ पे डोर हैंडल्स क्रोम मिल जाता है आपको, इधर को पैसेंजर साइड के भी, ड्राइवर के को पैसेंजर के साइड भी। और जो सीट का मतलब लुक है वो काफ़ी मतलब डिफरेंट बनाया गया है, मतलब येलो एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन का यूज करके इस गाड़ी का। तो गाइस इसका BHP की बात करें तो आपको इसमें 67 BHP मिल जाता है मैक्स पावर के साथ। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 28 लीटर का मिल जाता है फ्यूल टैंक कैपेसिटी। और जो बूट स्पेस है आपको 279 लीटर का मिल जाता है इसमें। और जो BHP आपको 67 मिलता है, और इसमें जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 28 लीटर का मिल जाता है। तो अभी इसके बूट की तरफ चलेंगे तो, और पहले इसका बात कर लेते हैं। तो स्पेस की बात करें तो स्पेस मतलब काफ़ी अच्छा दे रखा है इस गाड़ी में। और यहाँ पे आपको येलो एंड ब्लैक थीम का सीट यूज किया गया है हर एक जगह, मतलब सीट का जो फिनिश देने के लिए, मतलब स्पोर्टी लुक देने के लिए थोड़ा यूज किया गया। क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाता है बैक की तरफ भी, इधर की तरफ भी। विंडोज के एडजस्टमेंट यहाँ मिल जाते हैं। और गाड़ी का कुछ ऐसा लुक आ रहा है देख सकते हैं गाइस बैक से। यहाँ लाइट नहीं मिलता है पीछे की तरफ बस, लेकिन आगे वहाँ पे लाइट मिल जाता है आपको आगे तरफ, जो कि हैलोजन मिलता है। स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, बैक की रियर सीट नहीं मिलता है ना, बैक में आपको आर्मरेस्ट मिलता है इस गाड़ी में। बाकी सीट की बात करें तो सीट का जो फिनिश देने के लिए काफ़ी अच्छा मतलब यूज किया गया है, मतलब इसका जो क्वालिटी है सीट का काफ़ी अच्छा है, मतलब कम्फर्टेबल है 4 सीटर के हिसाब से। तो इसका कॉम्पेरिजन ऑल्टो वेगर से भी होता है ये क्यूट का, तो काफ़ी अच्छी बात है। कॉम्पिटेटर है वो ऑल्टो वगैरह के, ऑल्टो सेंट्रो हो गया, फिर बहुत से गाड़ी का मतलब ये कंपैरिजन में आएगा। तो ये देख सकते हैं आप इसका जो किया क्रू भी होता। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, 1K तक रीच करवाएं जल्दी से। जो न्यूली वॉच कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को, 1K तक पहुँचाएँ जल्दी से ताकि लेटेस्ट वीडियो आप लोग देख सको। और 1K के बाद धमाकेदार वीडियोज आने वाले हैं। तो गाड़ी में स्पेस भी काफ़ी अच्छा है 4 सीटर के हिसाब से,
इस गाड़ी में। तो चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ। तो गाइस बूट ओपन करने के लिए इसे मतलब यहाँ लगाना पड़ता है, ये इलेक्ट्रिक नहीं मिलता ना कोई स्विच मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ लगाना पड़ता है। कि तो बूट की बात करें तो इसका बूट कुछ ऐसा मिलता है जो कि 279 लीटर का आपको मिल जाता है, 279 लीटर का। यहाँ पे थोड़ा बॉडी कलर का यूज़ किया गया है, थोड़ा यहाँ पे ब्लैक देना चाहिए था, यहाँ पे छोड़ दिया है, लेकिन थोड़ा सा डिसएडवांटेज टाइप लगता है जो कि बॉडी कलर का यहाँ दे दिया है, तो थोड़ा यहाँ ब्लैक फिनिश यूज़ करना चाहिए था। बाकी स्पेस कुछ ऐसा है इसके बूट में, इधर की तरफ भी वही कलर दे दिया है, तो बूट में कुछ ऐसा स्पेस है 279 लीटर का मिल जाता है इसका जो बूट है, जो कि यहाँ से की इंसर्ट करना पड़ता है इसका ओपन करने के लिए।